हमारे समाज में एक तरह का भेदभाव है कौशल के कौशल के खिलाफ हम ऐसा मानते हैं कि रेलवे स्टेशन में एक बाबू बनना रिटेल कर्मचारी बनने से एक बेहतर नौकरी है मुझे लगता है कि अभी हमारे देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और मैंने सुना है कि महाराष्ट्र के कौशल विभाग के प्रमुख सचिव भी आज यहाँ आए हुए हैं और मेरा ये यकीन है कि अगर आप में आत्मविश्वास है तो ये दुनिया खुद बदल जाएगी मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ी बात करें क्योंकि यहाँ आए कुछ बहुत ही मेहनती लोगों के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो समाज में इज्जत पा सकें और ख़ुद की इज़्ज़त कर सकें दुनिया का आपकी इज़्ज़त करना आपके आसपास की दुनिया का गुण है अगर उनमें यह गुण है तो वो आपकी इज्जत करेंगे मुझे पता है कि इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन खुद अपनी इज्जत करना मुझे लगता है कि यह थोड़ा पागलपन है इज्जत करना दो लोगों के बीच होता है क्या इज्जत करना दो लोगों के बीच ही होता है मतलब आप किसी की इज्जत करते हैं क्योंकि वो वैसे हैं मैं अपनी इज्जत करता हूं आप जरूर पागल हैं क्योंकि ये चीजें आजकल अमेरिका में ये बहुत बड़ी बात हो गई है लोग कहते हैं पहले वो कहा करते थे मैं भगवान में विश्वास करता हूं अब वो कहते हैं मैं खुद में विश्वास करता हूं <laughs> पहले वो किसी से कहते थे मुझे तुमसे प्यार है इन दिनों वो कहने लगे मुझे खुद से प्यार है देखिए प्यार के लिए विश्वास के लिए इज्जत के लिए आपको दो लोगों की जरूरत होती है अगर आप अपने आप में ही दो बन चुके हैं तो मुझे यकीन है कि आप पागल होने वाले हैं अगर आप सच में अपने अंदर दो बन जाते हैं तो हम कहेंगे कि आप स्किजोफ्रेनिक हैं है ना इस विषय पर बहुत सारे लोगों ने चाहे वो धार्मिक लोग हों या नए युग के दार्शनिक हों हर तरह के लोगों ने काम किया है मैं खुद से प्यार करता हूं मैं अपनी इज्जत करता हूं मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूं मैं और मेरा ईगो मैं और मेरी आत्मा और न जाने क्या क्या मैं आप सबसे पूछ रहा हूं आप सभी से क्या आपके शरीर में एक इंसान है या दो लोग हैं प्लीज इसी वक्त अच्छे से सोच लीजिए एक या दो तो यह खुद की इज्जत करने वाली सोच को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इससे आप में बहुत सारी उम्मीदें जाग जाती हैं मैं अपनी इज्जत करता हूं मुझे लगता है कि मैं कोई बड़ा आदमी हूं और अब मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ ऐसे ही पेश आए और जब ऐसा नहीं होगा तो मैं खफा हो जाऊंगा गुस्सा हो जाऊंगा ऐसी चीजें होंगी मुझे खुद अपनी इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर मैं किसी दूसरे की इज्जत करता हूं तो शायद यह उनके गुणों की वजह से भी ना हो मेरे गुण की वजह से मैं किसी की इज्जत करता हूं है ना देखिए अगर आप किसी को ऊंची निगाहों से देखते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति बहुत ऊंचा हो बात यह है कि आप जीवन में कुछ सीख रहे हैं आप अपने जीवन में ऊपर बढ़ रहे हैं इसलिए आप ऊंची निगाह से देख रहे हैं अगर आप ऊंची निगाहों से देख रहे हैं तो आप ऊंचे उठ रहे हैं अगर आप किसी को नीची निगाहों से देख रहे हैं यानी आप नीचे जा रहे हैं है ना तो इज्जत देना दो लोगों के बीच होता है मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है कि अपने अंदर मैं खुद को इज्जत देता हूं खुद पर विश्वास करता हूं खुद से प्यार करता हूं यह चीजें कोई पागल इंसान ही बोल सकता है